संसद के इस नूतन भवन से एक इतिहास गढ़ा गया। करीब 30 सालों से अधर में लटका महिला आरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों से बहुमत से पास हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रूप में, और इस तरह से राजनीति में महिला आरक्षण का सपना साकार हुआ। क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023? क्या कहते हैं इसके प्रावधान? कब से लागू होगा ये कानून? क्या है परिसीमन का पेज? इससे जुड़े तमाम अहम सवाल जो आपके जहन में हैं, उन पर करेंगे विस्तार से चर्चा, बताएंगे आपके हर एक सवाल का जवाब। तो जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकार अस्ति। नारी राष्ट्रस्य अक्षि अस्ति। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही देश और समाज शक्तिशाली बनता है। नारी किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी आंखों के समान है। इसी भाव को मुखर करते हुए, महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करते हुए, संसद का विशेष सत्र इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया, जब दोनों सदनों ने भारी बहुमत से महिला आरक्षण बिल पारित किया। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। द बिल इज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड मेजोरिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका धन्यवाद करते हुए इसे भारत की संसदीय यात्रा के स्वर्णिम क्षण कहा। ये जो स्पिरिट पैदा हुआ है, ये स्पिरिट देश के जन जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा, और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। इस तरह से नारी शक्ति को वंदन करते हुए मौजूदा सरकार की कोशिशों ने संसद और विधानमंडलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का सपना साकार किया। सत्ताईस सालों के बाद पूरे हुए इस सपने की खुशी तो बनती ही है, और इसका जश्न भी, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 राजनीति में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आइए समझते हैं क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। संविधान का 128वां संशोधन अधिनियम यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद और विधानमंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है, यानी कि लोकसभा में मौजूदा 545 सीटों में से 181 सीटों से सिर्फ महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पेश करते हुए कहा कि इससे लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से 181 हो जाएगी। इस कानून के लागू होने के बाद दिल्ली विधानसभा की बात करें तो यहां मौजूद 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। हालांकि पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं, क्योंकि वहां लोकसभा की केवल एक सीट है। ये कानून सभी राज्यों में लागू होगा। संसद के विशेष सत्र के जरिए गणेश चतुर्थी के शुभ दिन संसद भवन की नई इमारत का शुभारंभ हुआ। 20 सितंबर 2023 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पेश किया। द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े, वहीं 21 सितंबर को राज्यसभा में ये विधेयक पेश किया गया जिसके पक्ष में 215 वोट पड़े। और इस तरह से बहुमत से सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास करवाकर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान की। देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भूमिका को सशक्त करने के लिए जो कानून बना है उसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का नाम दिया गया है। ये कानून लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई सीटों पर आरक्षण देता है। संविधान का 128वां संशोधन नए अनुच्छेद 330 ए और 332 ए को भी जोड़ता है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। महिला आरक्षण कानून लागू होने की तारीख से 15 वर्ष तक की अवधि के लिए होगा, जिसे संसद की अनुमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही एक क्लॉज ये भी जोड़ा गया है कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण कानून लागू किया जाएगा। डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के बाद अगले चुनावों में महिला आरक्षण प्रभावी होगा। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। देश में हर 10 साल पर जनगणना कराई जाती है। हर जनगणना के बाद संसद संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। परिसीमन अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है जो एक स्वतंत्र निकाय है। पहला परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में गठित किया गया था। उसके बाद 1962, 1972 और 2002 तक यानी कि 4 बार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया। यहां आपको बता दें कि साल 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन कर परिसीमन को साल 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि इस प्रतिबंध के बावजूद कुछ ऐसे अवसर आए जब जरूरत पड़ने पर सीटों की संख्या में परिवर्तन किया गया। अब सवाल ये उठता है कि परिसीमन कब होगा? लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या में परिवर्तन पर रोक को
वर्ष 2001 की जनगणना के बाद हटा दिया जाना था, लेकिन एक दूसरे संशोधन के तहत इसे वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल इसके पीछे कारण ये बताया गया कि साल 2026 तक पूरे देश में एक समान जनसंख्या वृद्धि दर हासिल हो जाएगी, जिसके बाद ही जनगणना और परिसीमन सटीक होगा। आखिरी परिसीमन अभ्यास 2002 से 2008 तक चला। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में एक तिहाई माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को आश्वस्त किया कि महिला आरक्षण का ये प्रावधान 2029 में लागू हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद नई सरकार जनगणना और परिसीमन का काम शुरू कर देगी और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ लेगी। अमित शाह ने कहा कि परिसीमन आयोग महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली सीटों का निर्धारण करेगा। परिसीमन को समझने के बाद कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या महिला आरक्षण को पूरे देश में लागू करने के लिए राज्यों की भी सहमति जरूरी है। संविधान के आर्टिकल 368 के मुताबिक इस कानून को लागू कराने के लिए कम से कम 50% राज्यों की सहमति जरूरी है। मौजूदा वक्त की बात करें तो देश के 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 11 राज्यों में विपक्ष की गठबंधन सरकारें हैं और 3 राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं। इसलिए इसे लागू कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर राज्य महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसके जरिए संसद और विधानमंडलों में अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल एसटी और एससी वर्ग की महिलाओं के आरक्षण को लेकर है। सवाल ये है कि क्या इसमें उनके लिए भी आरक्षण की अलग से व्यवस्था है? ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए इस आरक्षण व्यवस्था में क्या प्रावधान है? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ये साफ कहा गया है कि संसद और विधानमंडलों में एससी एसटी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं होगा। दरअसल उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। जैसे इस समय लोकसभा में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, तो इस कानून के अनुसार 84 एससी सीटों में से 33% यानी कि 28 सीटें एससी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरह 47 एसटी सीटों में से 33% यानी कि 16 सीटें एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कानून में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। एससी एसटी की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती हैं। इन सीटों पर ही सामान्य के साथ साथ ओबीसी के उम्मीदवार भी लड़ते हैं। इन सीटों पर 33% महिला आरक्षण देने पर 137 सीटें सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब सवाल उठता है कि महिला आरक्षित सीट कैसे तय होगी? इसका उत्तर भी है, लेकिन ये भी परिसीमन के बाद यानी कि 2026 के बाद ही तय हो पाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि परिसीमन के बाद जनसंख्या के आधार पर सीटें बदल जाएंगी। इसलिए सरकार की ओर से पेश कानून में ये कहा गया है कि परिसीमन की हर प्रक्रिया के बाद आरक्षित सीटों का रोटेशन होगा। आने वाले समय में सीटों के रोटेशन और परिसीमन को निर्धारित करने के लिए एक अलग से कानून और अधिसूचना की आवश्यकता होगी। स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायत और नगर पालिकाओं में भी एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें हर चुनाव में सीटों का आरक्षण बदलता रहता है यानी कि रोटेशन होता है। यही प्रक्रिया यहां भी लागू होगी। संसद और विधान मंडलों में
महिला आरक्षण की ये कहानी भले ही 27 साल पुरानी हो, लेकिन इसकी मांग एक सदी से उठ रही थी। आज़ादी के पहले भी कई बार राजनीति में महिलाओं की सक्रियता के लिए, उनकी भागीदारी के लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए आवाज़ मुखर की गई थी। आइए जानते हैं क्या कहता है इसका इतिहास। ब्रिटिश काल में भी 1931 में बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसमें महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की मांग की गई। संविधान सभा की बैठकों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। 1971 में नेशनल एक्शन कमेटी ने भारत में महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा की। 1988 में महिलाओं के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। आखिरकार 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के तहत एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण लागू किया है। तो इस तरह से संसद में महिलाओं को आरक्षण देने का ये कोई पहला प्रयास नहीं था, बल्कि इसके लिए कई बार प्रयास किए गए। कई बार लोकसभा या राज्यसभा से विधेयक पारित भी हुआ, लेकिन दूसरे सदन में जाकर अटक गया। आइए जानते हैं कि कब कब इस विधेयक को पेश किया गया और किन कारणों से ये अब तक पारित नहीं हो पाया था। देश की संसद में महिला आरक्षण विधेयक पहली बार HD देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को पेश किया। सत्तारूढ़ पक्ष में एक राय नहीं बन सकी। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। बाद में इस विधेयक को 26 जून 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली NDA सरकार ने 84वें संविधान संशोधन के रूप में 12वीं लोकसभा में पेश किया। इसे 2002 और 2003 में भी सदन में पेश किया गया, लेकिन विधेयक पारित नहीं हो सका। 2004 में UPA की सरकार के साझा कार्यक्रम में महिला आरक्षण शामिल रहा, लेकिन UPA सरकार भी लोकसभा में विधेयक को पास कराने में नाकाम रही। महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन का 108वां विधेयक मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में पेश हुआ 2008, जो कि मार्च 2010 को राज्यसभा से पारित हुआ, मगर लोकसभा से पारित नहीं हो सका। हमारी पीढ़ी साक्षी बनी उस महिला आरक्षण के बिल के पारित होने की, जिसके लिए वर्षों से देश की महिलाओं ने संघर्ष किया। और आज विशेषता उत्सव का माहौल न सिर्फ महिलाओं के लिए, बल्कि उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनी बेटियों का समर्थन किया। एक बेटी मेरे साथ भी खड़ी हुई है, और आने वाली महिलाओं की जो पीढ़ी राष्ट्र का नेतृत्व करेंगी, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि जैसे वर्षों से महिलाओं ने उनके लिए जंग लड़ी, वो भी आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए राष्ट्र का वैभव बढ़ाएंगी और इस संसद में आएंगी। बहुत बहुत सबको बधाई। यही समय है, सही समय है। तो ये समय सही था। प्रधानमंत्री जी देश के मोदी जी हैं, और उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा, यही समय है, सही समय है और देश का समय है। तो देश का जो कालचक्र है वो बदल रहा है, और हर चीज़ जो भारत के भविष्य को निर्धारित करती है, भारत के विकास का जो प्रथ है उसको प्रशस्त करती है, वो सब चीज़ें हो रही है, और महिलाओं की भागीदारी उसमें से प्रमुख है, जो कि नीति निर्धारण के लिए तय हुआ है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य के साथ अमृतकाल की यात्रा शुरू कर दी है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ समाज के सभी वर्गों का योगदान शामिल होगा। ऐसे में आधी आबादी की शक्ति को कैसे नकारा जा सकता है। इसीलिए लाया गया
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023।